वेल फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भाभी जी घर पर है, इस शो का इंट्रो देना तो गलत ही होगा, क्योंकि इस शो के बारे में कौन नहीं जानता। घर घर में अंगूरी भाभी, विभूति तिवारी जी और गोरी मैम के चर्चे हैं। जब ये शो शुरू होता है तो घर के लोग टीवी के सामने ऐसे चिपक कर बैठ जाते हैं मानो फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो। और जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तभी से भाभी जी का ये शो लोग रिपीट मोड पर देख रहे हैं। खैर, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो आज एक खास मेहमान जुड़ी है वो है दूसरी वाली भाभी जी, यानी कि गोरी मैम। वही गोरी मैम जिन पर तिवारी जी लट्टू है। तो चलिए मिलते हैं अनीता भाभी यानी कि विदिशा श्रीवास्तव से, जो टीवी पर कुछ और लेकिन असल जिंदगी में कुछ और है। विदिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब तिवारी जी आपके पीछे पड़ जाते हैं, लट्टू होके घूमते हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं कोई आपको पसंद कर रहा है, लेकिन वही है ना कि क्योंकि वो मेरा अपना पति है और वो सामने हमारे पड़ोसी है, तो अनीता तो स्ट्रिक्ट है, अपने पति से बहुत प्यार करती है। अंदर ही अंदर अच्छा लगता है कि कोई भी उसकी तारीफ कर रहा है या प्यार कर रहा है, बट है वो पतिव्रता, सो ठीक है, चल जाता है। अच्छा भाभी जी, शो आपको कैसे मिला? क्योंकि आपको लगता नहीं कि लोग इतने सालों से सौम्या टंडन को देख रहे हैं और अचानक से फिर अनीता भाभी बदल गई, उनकी जगह आपने ले ली, तो लोगों का रिस्पांस कैसे रहा जब आप शुरू शुरू में आए तो? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि लोग मुझे पसंद करेंगे, बिकॉज व्हेन आई सॉ, मैंने देखा जब सामने कि अनीता का कैरेक्टर कैसा है, आई कुड रिलेट कि हाँ, मैं इस फ्रेम में फिट हो सकती हूँ। और अगर मुझे जो भी हमारे क्रिएटिव्स हैं, प्रोड्यूसर्स, उन्होंने सेलेक्ट किया, तो कुछ देख के सेलेक्ट किया, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट। मुझे ये जरा सा एक वो था कि शायद क्या पता मतलब ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज आई न्यू आई विल डू माई बेस्ट। लेकिन ऑडियंस से, दर्शकों से जो प्यार मिला, मतलब इट वॉज ओवरवेलमिंग। मुझे लाइक 99% लोगों से सिर्फ प्यार ही प्यार मिला, क्योंकि इतना बड़ा कैरेक्टर था, ऑफकोर्स कोई और एक्टर प्ले कर रहा है इतने सालों से, लोगों की आदत हो जाती है कि हाँ, ये उसी अनीता भाभी किरदार में उसी एक्टर को देखने की। बट थैंकफुली आई एम ग्रेटफुल कि लोगों ने मुझे भी इस किरदार में बहुत पसंद किया जी। आप जहाँ पे रहती हैं अभी, वहाँ पे आपको आपके असली नाम से जानते हैं विदिशा के नाम से कि गोरी मैम कह के ही बुलाते हैं जितने भी सोसाइटी के लोग हैं? अब मैं देश की भाभी हूँ, किसी ने भाभी जी बुलाया और मैं पलट के देखी, एंड देवर ओल्ड कपल, काफी एजेड थे और वो मुझे बुला रहे थे भाभी जी करके। तो वही है ना, ये बहुत ही खुशी की बात होती है अगर आपको किरदार के उससे बुला रहे, गोरी मैम भी बुलाते हैं और भाभी जी भी बुलाते हैं, तो ये भाभी जी हो गए आजकल तो। जी, भाभी जी घर पर है, नाम आते ही सबसे पहले लोगों के जहन में अंगूरी भाभी याद आती है, तो ऐसे में कभी कभी ऐसा लगता है कि कंपटीशन फील होता है आपस में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें चारों ही किरदार जो हैं, दोनों लीड्स फीमेल और दोनों लीड्स मेल, विभूति नारायण मिश्रा और तिवारी जी और अंगूरी भाभी और अनीता भाभी, बहुत ही चारों ही इम्पोर्टेंट है। ऑफकोर्स अंगूरी भाभी का जो सही पकड़े हैं, बहुत पूरे देश में क्या विदेशों में भी फेमस हो गया है ये जो इनका तकिया कलाम है। लेकिन हर किरदार की अपनी अहमियत है, किसी एक किरदार के बिना भी ना शो कंप्लीट नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा कंपटीशन ना हमारे बीच में कभी भी नहीं रहा, ना कभी अनीता और अंगूरी के कैरेक्टर के बीच में रहा है, दोनों ही कैरेक्टर अपनी अपनी जगह है जी। विदिशा, जब सेट पे आप लोग पहुंचते हैं, लंबे लंबे स्क्रिप्ट्स होते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है, लेकिन क्या वो मस्ती भी चलती है बीच में जब चारों मिल जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट समूहन चारों के साथ ही होते हैं, तो कितनी मस्ती चलती है और कौन सबसे ज्यादा प्रैंक करता है? सबसे पहले तो लगता ही नहीं कि हम शूटिंग करते हैं, बिकॉज ये सिटकॉम है, मजाक में कब शूटिंग कंप्लीट हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। और जब तक आप इंजॉय नहीं कर रहे हो ना अपने आप, अगर आप एक कॉमेडी शो कर रहे हो और आप खुद इंजॉय नहीं कर रहे हो, तब तक वो निकल के नहीं आएगा, तब तक ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग आपस में इतने मज़े करते रहते हैं शोज के बीच में, और स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के एक दूसरे के साथ जब रीडिंग करते हैं, इतना हम खुद ही आपस में नई नई चीज़ें उसमें ऐड कर लेते हैं और ये कर लेते हैं कि सीन्स के बीच शूट होता रहता है, उसके बीच में अक्सर मैं तो अक्सर हंस पड़ती हूँ, लाइक वाइल परफॉर्मिंग ऑल्सो हम में से कोई भी बीच में हंस देता है, हंसी छूट जाती है,
तो हमें लगता है कि हाँ अगर हम मजे कर रहे हैं तो ऑडियंस को भी मजा आ रहा होगा। तो ये शो ही ऐसा है कि हम बहुत मजे करते हैं और सब एक दूसरे के साथ प्रैंक करते हैं। प्रैंक की बात की जाए तो सभी एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं शो, क्योंकि शो की लाइंस भी ऐसी होती है, इतनी कॉन्वर्सेशनल है कि एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। भाविया तो स्पेशली, मैं तो तिवारी जी की टांग खींचती हूँ शो लाइंस में भी, विभूति को डांटती रहती हूँ, तो मैं रियल में भी ऐसी कभी कभी मस्ती करती रहती हूँ। आप एक्टिंग फील्ड में हैं तो आप अभी कॉमेडी सीरियल कर रही हैं, तो कॉमेडी सबसे ज़्यादा आसान लगता है आपको कि जो सीरियस रोल होता है वो आसान लगता है? क्योंकि कॉमेडी कहते हैं कि हंसाना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि जो रेगुलर किरदार होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो सब किरदार निभाना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे आपको बहुत, इसमें क्या है, हम लोग मजे करते हैं, ऑफ कोर्स हम खुद भी मजे करते हैं, लोगों को हंसाना मुश्किल का सबसे मुश्किल काम है, आई अग्री देयर इसमें। लेकिन अगर स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो ना तो वो काम आसान, हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, हमारे जो मेकर्स हैं, वो बहुत कमाल के हैं, वो हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं। लेकिन अदरवाइज सही बात है, जोक्स किसी से भी लोगों को, ऑडियंस को हंसाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो इमोशनल सीन्स भी करते हैं, अगर हम मैंने अगर और भी जो प्रीवियस शोज के हैं, उसमें इतना रोना धोना रहता है, इतना आपको इमोशनल इमोशनल चीज़ें आपको आपको एक्सप्रेस करनी रहती है कि आपका सर दर्द होने लगता है, कभी कभी आपके आंख आंसू, रो रो के आपकी आंखें सूज जाती हैं, लाइक आप बहुत प्रेशर में फील करते हो कभी कभी, तो वो भी आसान नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगी। लेकिन कॉमेडी कॉस लोगों के लिए, लोगों को हंसाना मुश्किल है, ये मैं कहना चाहूंगी। जी, जैसे सीरियल में हमने देखा है कि विभूति जी आपको खुश करने के लिए ऑमलेट बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं खाने के लिए बनाते हैं, तो आपके रियल लाइफ में भी हस्बैंड कुछ ऐसा करते हैं आपको खुश करने के लिए? मेरी रियल लाइफ शायद पॉल, वो खुद भी बहुत अच्छे शेफ हैं, मतलब ही इज नॉट अ लाइक प्रोफेशनल शेफ, बट हाँ काफी अच्छा खाना बनाते हैं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट का भी, ये एग्स रहा, कुछ भी रहा, वो काफी अच्छा बनाते हैं, सभी चीजें अच्छा बनाते हैं, तो वो रियल लाइफ में ऑलमोस्ट विभूति हैं, वो मेरा विभू नल्ला है और ये काम करते हैं, अदरवाइज वो रियल लाइफ में मेरी सारी सेवा करते हैं। अच्छा, आप लोग सेट पे बहुत मतलब कि लंबे आवर्स के लिए काम करते हैं, कई बार 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, ऐसे में घर और बाहर कैसे मैनेज करती हैं आप? देखिए अभी तो एक घर वो हो गया है मेरा और एक घर ये है, और जितने घंटे हम घर पे बिताते हैं, घर पे तो सोने के लिए आते हैं, वहाँ पे पूरा पूरा दिन बिताते हैं, कभी 12 घंटे की पूरी ड्यूटी भी करते हैं। और अब जब से मेरी बेटी हुई है तब से आपको पता होगा कि मेरी अभी 9.5 महीने की बेटी है, और मैं उसको भी सेट पे लेके जाती हूँ, मेरी मम्मी जाती है साथ में, तो कहीं ना कहीं मेरी अपनी इस परिवार को भी वहाँ साथ में रखती हूँ, अलग रूम है, सब कुछ है, तो कोशिश करती हूँ बिकॉज इट्स सिटकॉम सीन देती हूँ, बीच में बहुत गैप मिलता है, मैं आके अपने घर पे, अपने अपने रूम पे अपनी बेबी के साथ रहती हूँ, अपनी माँ के साथ रहती हूँ, और फिर जाके सीन करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा घर, मेरा काम सब मिक्स होके ना एक साथ हो गया है, और बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है मेरी लाइफ इस समय। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी छोटी बेबी भी है अभी। विभूति जी यानी कि आशिफ शेख शेख जो है वो काफ़ी पुराने और सीनियर एक्टर है, तो कभी उनके साथ कुछ सीन करने में या सामने कभी डर लगा आपको शुरुआत में, या अभी कभी लगता है कि हाँ ये बहुत सीनियर एक्टर है, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो? बहुत सीनियर है, साथ में काम करते समय इतने इजी गोइंग है, इतना कंफर्ट फील कराते हैं, मतलब सभी एक्टर्स वहां पे जो भी हैं, आसिफ जी तो ऑफ कोर्स इतने सारे मूवीज की है, ही इज वेरी सीनियर, बट नो मुझे कभी भी एक पल के भी नहीं लगा कि हाँ मैं किसी इतने सीनियर एक्टर के साथ काम कर रही, एक कंफर्ट लेवल हो जाता है, ऊपर से मेरे पति का रोल कर रहे हैं वो, तो उसमें शो में भी मैं इतना डांटती डरती हूँ, फटकारती रहती हूँ कि पहले तो मैंने नहीं, ये तो लगा था कैसे इतने बड़े हैं, लाइक ही इज एल्डर ऑल्सो एंड इतने बड़े हैं, लेकिन एक दो दिन में ही ना इतने कंफर्टेबल हो गए हम लोग आपस में कि अब तो एहसास ही नहीं होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब एक जैसे लगते हैं। जी अच्छा, अंगूरी जी का अगर आप डायलॉग अपने अंदाज में बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? अनीता अनीता अपने अनीता का कैरेक्टर एकदम अलग है, मतलब अंगूरी के डायलॉग में क्या लाइन बोलना है बोलूंगी, जो अपनी लाइन अपनी तरह से बोलूंगी। अगर याद है आपको तो उसको अंगूरी जी के स्टाइल में अगर आप बोलेंगी। अनीता अनीता कहने दीजिए, अनीता अगर अंगूठी बन जाएगी तो फिर अंगूठी कम हो जाएगा।
अच्छा, तो अनीता भाभी अगर विभूति जी को कुछ बोल रही हैं तो वो किस स्टाइल में बोलेंगे, जरा आप हमारे ऑडियंस के लिए एक बार बता दीजिए। देखिए अनीता तो बहुत डिमांडिंग रहती है, जब होता है कि कहीं से भी आएगी, विभू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी, विभू नाश्ता लेकर आओ, मुझे ग्रूमिंग क्लासेस जाना है, लाइक शी इज ऑलवेज, शी ऑलवेज कीप हिम ऑन हिज टोज हर बात पे, या तो हमेशा उसको रोमांस का बहुत सवाल रहता है या तो फिर उसको डांट फटकार के खाना काम करवाती रहती है, सो दैट्स अनीता, या तो माय लिप्स गेट लॉस्ट, दैट्स हाउ शी सेज। अच्छा गौरी मैम से मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपको ये सीरियल मिला तो आपने सबसे पहले अपने जहन में क्या आपके क्वेश्चन आए कि मैं ये जो करूँगी कैसे करूँगी, क्योंकि इससे पहले जो कैरेक्टर्स थे सौम्या टंडन थी वो बहुत लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो रखी थी, तो आपको कहीं कुछ लगा कि मुझे ये ऐसे प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आप रियल एकदम गई ऑडिशन के लिए कि हाँ मैं जो हूँ ऐसे ही करूँगी? नहीं, मैं एक्चुअली में रियल गई क्योंकि मैंने ये शो ऑफकोर्स अच्छे से जानती थी, शायद 2-4 एपिसोड्स देखे भी थे लेकिन फॉलो रिलीजियसली नहीं करती थी ये शो में तो। लेकिन मुझे जब हर एक्टर का ना एक अपना फ्लेवर होता है, एक अपना तरीका अंदाज होता है किसी भी किरदार को निभाने में, तो जब मैं गई तो मुझे ये पता था कि मैं इसमें विदिशा को भी डालूंगी। ऑफकोर्स अनीता का किरदार है, सौम्या ने अपने तरीके से निभाया, लेकिन विदिशा एक अलग एक्टर है, तो अपने हिसाब से निभाएगी, अपना एक फ्लेवर डालेगी। तो व्हेन आई वेंट, मैंने कभी भी ये तैयारी नहीं की कि हाँ मुझे एग्जैक्टली वैसे परफॉर्म करना है। आप अभी भी देखेंगे मेरा अपना तरीका रहेगा, अनीता के किरदार को, अनीता के जो कैरेक्टर है ढांचे को, उसको दिमाग में रखते हुए मैंने अपना फ्लेवर डाला और मैंने उसी तरीके से वहाँ पे भी ऑडिशन के लिए भी गई तो वैसे ही परफॉर्म किया। आई नेवर ट्राई टू कॉपी जी, तभी आपको लोग एकदम से ही दिल में बसा चुके हैं और पसंद करते हैं और गौरी मैम कह के ही बुलाते हैं, आपके असली नाम को भी शायद ही कोई जानता होगा। और ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप ये सीरियल कर रही हैं, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि OTT बहुत ही लाइमलाइट पे हैं अभी, तो OTT पे कोई सीरीज आ रही है या कोई मूवी कर रही हैं आप फिलहाल? देखिए फिलहाल वर्क लाइफ को और अपनी मदरहुड को बैलेंस करने में, कि इसके अलावा मेरे पास टाइम, ये शो ही पूरा टाइम ले लेता है, मैंने 20-22 दिन हम इसमें शूट करते हैं और बचे हुए कुछ दिन हैं जो बीच बीच में छुट्टियां मिलती हैं, तो आई ट्राई कि मैं अपना 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 घर का अपने होम लाइफ भी बैलेंस कर लूँ। सो आई एम हैप्पी राइट नाउ एंड कंटेंट, थोड़ा और कुछ थोड़ा सोचूंगी कि अकॉर्डिंगली लूँगी, अभी तो मैं सबको ना बोल रही हूँ। वो सिखाती है कि कैसे रहना है एकदम, और एकदम एक अलग ही अंदाज है गौरी मैम का, उस अंदाज में अगर आप मेरे को कुछ बताने चाहें कि आपको यहाँ से ग्रूमिंग करनी चाहिए, ये ग्रूम करना चाहिए, आप अपने अंदाज में गौरी मैम अनीता भाभी के अंदाज में मुझे कुछ बताइए कि मुझे कैसे ग्रूम करना चाहिए। आप वैसे काफ़ी ग्रूम लग रही हैं, मुझे आपको ग्रूम करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि अनीता ग्रूमिंग क्लासेस चलाती है, वो खुद भी एकदम वेल ग्रूम्ड है, तो ऑफकोर्स सबको सजेशंस देती ही रहती है, आइडियाज़ तो उसके पास भरे पड़े हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आपने डाइट का बहुत ख्याल रखिए, आप क्या खाती हैं पीती हैं, आप उस पर उसके आपका जो हेल्थ है आपके आपके माइंड पे बहुत असर डालता है, आपका जो डाइट है वो बहुत असर डालता है, तो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखिए और आजकल की जो भी ट्रेंड है उसको फॉलो करिए, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपके अटायर है, जो आउटफिट्स हैं फॉलो करिए, बट कंफर्ट कम्स फर्स्ट, अपने आप को कंफर्टेबल रखते हुए उसको फॉलो करिए और आप लोग खुद ही समझदार हैं। थैंक यू सो मच विदिशा हमसे बात करने के लिए, श्रेष्ठ भारत से जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ विदिशा श्रीवास्तव यानी कि गौरी मैम, अनीता भावी, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें, ग्रूमिंग के बारे में बताई, हालांकि उन्होंने बोला कि ज़रूरत नहीं है, फिर भी ग्रूमिंग की क्लासेस वो लेती है तो थोड़ा बहुत कुछ तो हमें बता ही गई। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास पेशकश हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी ऐसे ही प्रोग्राम के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।